mukamara karo. Jo pa as pas mil jas ko mukamara. Gusto ka to. Pero usko ko sa. Ako ni yaya. Harpreet. Hi Harpreet. Thank you Priyanka looking gorgeous. Ma'am aapka video mute hai. Abhi bhi mute hai? थैंक यू प्रियंका बताने के लिए कि आवाज आ रही है. अब सब बता रहे हैं क्या आ रही है. मेरी आईज ब्लैक इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने थोड़ी सी काजल लगाई और आई ड्रॉप डाल रही हूं अभी. इसे ब्लैक ही लगेगी. काजल फैल जाएगा तो कैसा लगेगा. देखो काजल फैला हुआ है. देखो आई ड्रॉप डालती हूँ ना. सर्जरी के 6 महीने तक आई ड्रॉप डालना है. सबको आवाज आ रही है सिर्फ आपको प्रीत नहीं आ रही होगी. इनका महक आपको नहीं आ रही. अब मैं किसी का भी नहीं लेने वाली. जो आ रहे ना वीडियो के लिए बीच बीच में पता नहीं क्या आता. होम टूर व्लॉग. मेरा घर कूड़ावान है. मैं होम टूर व्लॉग किया. देखो ये मेरा रूम है. यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ. ये मेरा रूम टूर है. और करूंगी. मैंने सोचा था कि मैं आपको अपना कॉस्मेटिक कलेक्शन दिखाऊं. उसको दिखाने में मेरे को फिर लगता है कि वो इतना ज्यादा है कि 40-45 मिनट लग जाएगा. तो फिर मैंने छोड़ दिया. देखो अगर हो सकेगा तो कॉस्मेटिक कलेक्शन दिखाऊं. और रोज तो घर में घूम के ही ब्लॉग बनाती हूँ. हाय नफीशा. हेलो नेहा. मैं ठीक हूँ. शिफा कोशिश करूंगी दिखाने को. डॉक्टर रंजना मेरा मैसेज आ रहा है. यस आ रहा है. फाइनली आई कैन लाइव. यू कैन थैंक यू. आप लोग अच्छे से कमेंट अच्छे लगते हैं. मैं तो थोड़ी देर के लिए वैसे ही आ गई. पता है इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है ना. बाद में रहेगा नहीं तो फिर कोई अच्छा नहीं लगता कि जो चीज रहे नहीं उसमें मेहनत करके फायदा क्या है. प्रियंका पंडित आप फैमिली टाइप की फीलिंग देते हो. हाँ भाई हम भी इंसान है. आप भी इंसान है तो फैमिली टाइप की फीलिंग देंगे. और दूसरी बात यह है कि अगर हमने गैंग बना ली एक फैमिली बना लिया तो फैमिली टाइप की फीलिंग आएगी. उसी में सारे को है. और लड़ो झगड़ो एक दूसरे का सर फोड़ो प्यार करो गोद में लो चुम्मी लो लेकिन फैमिली के अंदर ही. ब्रेस्ट की साइज कम करने का वीडियो चाहिए. ना 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 कीटो कर लो हो जाएगा. देखो नीचे फोटो मेरी डाली भी है. कीटो करो ना हो जाए. सप्लीमेंट हेयर ग्रो का. ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है. हाँ ब्लॉग मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा इम्प्रूव करूँ. मेरे हिसाब से अगर मुझे बोला गया कि ब्लॉग ही डालूं लेकिन मेरा जो अपना फोटो है कि उसमें ट्रीटमेंट रहनी चाहिए. कुछ ना कुछ तो मैसेज जाना चाहिए. तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो जॉनर है चीज का वो खत्म ना हो. वो चीज उसमें रहे तो वो ट्राई रहता है. बट प्रॉब्लम ये है कि मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाती हूँ. बहुत कम मतलब 2-3 महीने में कभी चली गई तो चली गई. तो पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैं जुहू बीच गई थी. तो वीडियो बनाई थी मैंने जुहू पे. तो फिर मुझे वो पसंद नहीं आया. तो फिर मैंने उसको नहीं तो बीच में एक ब्लॉग और आता. मुझे ठीक ही नहीं लगा वो टोटल. तो मैंने छोड़ दिया उसको. टोमेटो सूप रेसिपी दिखाया था ब्लॉग में. उसमें कुछ स्पेशल था ही नहीं. सही बोला ब्रेस्ट के पीछे क्यों पड़े.
बता तो दिया, बट थाई स्लिम करने का बता दिया, चीनी भूल जाओ अपने आप ही हो जाएगा। पीरियड में सैंडलवुड ले सकते हैं, हाल ले सकते हो गर्म पानी में। हर कुछ वीडियो में बताया वही चीज सेम सेम लिखते रहते हो, फिर मैं उसका आंसर देती हूँ, 10 को देती हूँ, 15 में करने देती हूँ, गाली देने लगते हो, बहुत गंदे हो। न्यू डाइट आइडिया एक तो डाल चुकी हूँ ना, उसको फॉलो करो ना। वो डाइट अभी 4 दिन पहले डाला, और कितना डाल दो। एक अभी समोसा वाला आइडिया दे दोगे, वो डाइट नहीं है एक्चुअली, कैसे खाएं समोसा को एग्जैक्टली वो है। बट मैंने वो ब्लॉग बनाई इसलिए क्योंकि मेरा वेट स्टैग्नेट कर गया। बहुत बुरी खबर, 59 kg की थी कल, मैं 59 kg की थी आज, मैं चढ़ी, बहुत गुस्सा आया मुझे, मैं 60.8। मैंने कहा क्या हो गया, मैं जब सोती नहीं हूँ ना तो मेरा 2-2 kg बढ़ जाता है, तो मैंने कहा ये घटेगा नहीं, अब ये बढ़ गया जो ये घटेगा नहीं। तो मैंने आज समोसा खाया, मैंने कहा जर्क बहुत इम्पोर्टेंट है वरना घटेगा नहीं। तो वो मैं पूरा डिटेल मैंने व्लॉग में दिखाई है कि कैसे क्या क्या करना है, अगर स्टैग्नेट हो जाता है तब के लिए है, मजे करो तो स्टैग्नेट वेट हट जाती है। पेट पेशेंट सिफा फैशन डिजाइनर, पेट पेशेंट बहुत लोग लिख रहे हैं। एग्जैक्टली मैं बताऊं, मेरा अगर आप वर्क शेड्यूल देखेंगे ना तो आपको डर लग जाएगा, मतलब मैं 1 सेकंड बैठती नहीं हूँ। अभी मैं जस्ट लेटी और मैं लाइव आ गई, मैं 1 सेकंड बैठती नहीं, या तो मैं बुक में होती हूँ या मैं पेशेंट में होती हूँ या तो मैं अपडेट डाल रही होती हूँ अपने मोबाइल से। और कल एक जने से मीटिंग थी मेरी, उनसे मैं मिली थी, तो स्किट के लिए एक्चुअली जो ऑर्डर हो रहा है पीछे से कि कुछ कॉमेडी शो बनाओ, तो उनके लिए मिली। वो मुझे कुछ भी समझा रहे थे, मैं मोबाइल फोन उठा करके यूट्यूब पे जवाब दे रही थी, कभी किसी पेशेंट को जवाब दे रही थी, तो वो कह रहे थे इतने स्ट्रेस में रहते हो तो कैसे करोगे, क्योंकि जब शूटिंग पे जाओगे तो मोबाइल तो साइड में फेंकना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी और पेट पेशेंट किधर से घुसाऊं और किधर रखूं। एक्चुअली क्या है कि मेरा कोई असिस्टेंट नहीं रखती हूँ मैं, जो करती हूँ खुद करती हूँ, तो जितना रहे उसको इलाज तो कर पाऊंगा, नहीं तो प्रॉब्लम बन जाएगी ना, ये सबसे बड़ी बात। बोलो बोलो बोलो। हेलो वंदिता। और जब मैं कोई पोस्ट डालती हूँ, जैसे 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने एक बंदी की वेट लॉस के बारे में बताया था, और ये कहा था क्वेश्चन पूछने से अच्छा है कि आप खुद कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए, कोशिश कीजिए। नॉर्मल सेंटेंसेस थे, लेकिन अगर आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके फीस देते हो तो उसकी तो सारी बातें सुन ले, तो चाहे वो आपके सेल तोड़ दे, बट अगर मैं एक लाइन लिख रही हूँ तो फ्री वाले में गाली दे रहे होते हो, तो धीरे धीरे मन नहीं कर रहा मेरा, मेरा तो काम ही करने का। एग्जैक्टली मैं दिन में मेरे ख्याल से मैं 18 से 20 घंटे काम करती हूँ, लेकिन मुझे मन करता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं छुट्टी लेके भाग जाऊं, और मुझे ऐसा फील होता है कि जितना स्ट्रगल में हूं मैं और जितना मेहनत में कर रही हूँ, किसी दिन अचानक से गायब हो जाऊं तो समझ जाना कि अब ये 10-15 दिन नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर जाऊंगी। मीट एंड ग्रीट पॉसिबल नहीं है, मीट एंड ग्रीट का सपना मत देखना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दिल्ली में किया था, बहुत खतरनाक होता है। मैं एक्टर एक्ट्रेस हूँ तो भाई ऑटोग्राफ और सेल्फी लेके भाग जाऊँ, वो पूरा ब्लड टेस्ट लेके आ जाते, उतना एग्जाम कौन देगा, हालत खराब हो जाती है। स्किन केयर ब्लॉग बनाऊंगी, स्किन केयर ब्लॉग ना मैं डॉक्टर शालिनी वेट लॉस पे बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किन केयर ब्लॉग बनाऊंगी। अच्छा आइडिया, थैंक यू, किसने दिया, सब नाम तो जुड़े होते हैं। बैग बग्गा मोना गुंडाराज लिटिल टाइटल, ओके बहुत मजेदार। हाँ मैं इस तरह का टाइटल ढूंढ रही हूँ नए ब्लॉग के लिए, कुछ ऐसा। वो फोटो ना मेरी फ्रेंड ने बनाया था, बोला कुछ गंदा सा होना चाहिए, मैंने कहा कुछ कर दो इसका, तो उसने कंप्यूटर से आंख बड़ी कर दी, नाक पतली कर दी, मैंने कहा इसमें तो राक्षस लग रही हूँ मैं, कहती हाँ यही डाल, मैंने कहा ठीक है। उसने बनाई थी मेरी फोटो, थैंक यू सोनी। हितू, हितेश,
जो नया अपडेट है उसका कि कितना वेट गया तेरा। स्किन टैग मुझे नहीं पता, मैं बहुत सारे बीमारी पर अब काम नहीं कर रही। पहले मैंने अपना बहुत वास्ट फील कर लिया था, अब मैं बीपी पे काम नहीं करती हूँ, हेपेटाइटिस पे काम नहीं करती, बहुत सारी चीजें छोड़ दी मैंने। लोगों ने अभी आप जाओगे डेंटिस्ट के पास तो थोड़ी ना उससे कैंसर पूछने लगोगे, हार्ट पेशेंट के पास जाओगे तो थोड़ी ना हार्ट डॉक्टर के पास जाकर के आप दांत बनवाने लगोगे, लेकिन मेरे पास दुनिया भर का बीमारी लेके आ रहे थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। मेरे भाई ने 52 किलो रिड्यूस किया, छोटे भाई ने, वही वो मैसेज में है ना बीच में देखो ना, उसने 52 kg रिड्यूस किया। पतला कोई कर नहीं दे सकता, मैं तो अपनी तरफ से इतनी वीडियोस डाल ही रही हूँ, आप खुद नोट्स बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। फिर क्वेश्चन पूछते हो आप लोग, मैं उसके बाद क्या कर दूंगी, अब नोट्स का कंपाइल करके भी मैं बताऊंगी, हर चीज मैं नहीं कर सकती ना, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। जो कुछ भी क्वेश्चन पूछो सबका वीडियो, मैं तो बात ही नहीं करने का मन कर रहा, सबका वीडियो, उसके बाद ये हो गया वो हो गया, सब वीडियो, जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो सबका वीडियो, इसलिए आंसर कहाँ दूं जब सब चीज का वीडियो है ही, तो आंसर किस चीज की चाहिए। मेहनत करो, पहले मैं आंसर बहुत सारी चीजों के दे, आप मेहनत कीजिए आप तभी आप ठीक हो सकते हैं। वाह 57 वंदना, ग्रेट, इतनी तो मैं भी नहीं हूं, मैं 59 थी कल। मैम मार मेरी नजर लग जाएगी, मैं मुझे किसी की नजर नहीं लगेगी, मैंने काजल लगाया हुआ, ये देखो मेरे आंखों में काजल है, मैं रापचिक लग रही हूँ। हाय हाय मम्मी, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, जो मर्जी आए कीजिए, मसाज कीजिए, कोकोनट ऑयल लगाइए, जो मर्जी, आपको पता ही आप करते रहो। फर्स्ट ब्लॉग ऑसम, हाँ किसी को कोई ब्लॉग अच्छा लग रहा है, किसी को कोई ब्लॉग अच्छा लग रहा है। मेकअप सिखाऊंगी, एक्चुअली क्या है ना, जो जगह मैं मेकअप के लिए बनाना चाहती हूँ ना, जिस जगह पे मेकअप का ट्यूटोरियल होना चाहिए उसको तैयार करवा रही। दूसरा मैंने अपने डॉक्टर से पूछा मैं मेकअप ट्यूटोरियल बना सकती हूँ, उसने कहा 15 दिन और रुक जाओ आंखों के लिए, जब हो जाएगा तो मैं आई मेकअप का बनाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, आई मेकअप बनाऊंगी। स्किट से थोड़ा डर लग रहा है लेकिन क्या करूं, उसने कहा रो के दिखाओ, मैंने कहा मुझे तो हंसी आती है, उसने कहा मर के दिखाओ, मैं हंसने लगी। उसने कहा बोलो, मैंने कहा कैसे कैसे बोलूं जब मैं जिंदा हूं। और डायरेक्टर आते हैं ना, मैडम ऐसा सीन है आपका बॉयफ्रेंड भाग गया है और आप मरने वाली हो, मर के दिखाओ, मैंने कहा कहते ऐसे मरते हैं क्या, आपको किसी ने गोली थोड़ी मारी है। वो स्क्रीनिंग ले रहा था, मैंने कहा भैया मेरा जब मूड करेगा तब मैं मरूंगी, अभी मरने का मन नहीं। कहता है और बोलो ना, स्टाइल भी बहुत मारते, ऐसा ऐसा कर रहा था, अब आप ऐसे करेंगे, मैं उसको देख के ही नर्वस, कहता मार के दिखाओ। अच्छा आपका बॉयफ्रेंड चला गया, रो के दिखाओ। तो मैं एकदम परेशान हो गई, मैंने कहा यार कहाँ फंस गई यार, पढ़ने से अच्छा एक्टिंग क्लास कर लेती, ये तो गलत जगह फंस गई। हेलो हेलो, एक्टिंग करना, मेरे लिए एक्टिंग करना टफ नहीं है क्योंकि मैं
मैंने तो अंतरराष्ट्रीय उसमें बहुत सारे प्ले किए, बट जब किए थे तब तो मैं 16-17 साल की थी ना, मुझे नहीं पता था वापसी घूम के आया लाइफ में कभी। तब बड़ा शौक था 17 इयर्स की उम्र में हीरोइन बनूंगी। लेकिन फंसी अब जाके मैं। और ऐसे ऐसे डिमांड्स होते हैं, अभी ऐसे दिखाओ, ऐसे कुछ भी बोल रहे थे ऐसे, अब मेरे को हंसी आ रही होती है। लिकोरिया पे स्पेशल एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन लिकोरिया ड्रिंक है, मेरे से कांटेक्ट मत करो, जितना है इतना ही में रहो, जो मेरे पेट पेशेंट उनको भी संभालना मुश्किल हो रहा है, मैं तो सांस फूल रही, इसलिए मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करो, नंबर मत मांगो, कांटेक्ट नंबर मत मांगो, ईमेल एड्रेस मत मांगो, कुछ मत करो। नो 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 नो, खुश रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा, वीडियो का नोट्स बनाओ, उसको फॉलो करो, ठीक हो जाओगे। ब्यूटी पेशेंट मैं नहीं लेती, नहीं लेती, चाहे वो कितना भी कह दे मैं सुसाइड कर लूंगी। जब ब्यूटी के इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना ही रही हूँ और बना के डाला हूँ, उसको फॉलो करो ना, आप नहीं लेती, कातिल हसी गोली मार दूंगी। किसने लिखा कातिल हसी? वंदना, ओहो, कोई बिगड़ गया है। माई आईज इज गुड, स्वेलिंग चली गई, ये पूरा फूला हुआ था ना, ये स्वेलिंग चली गई, देखो खत्म हो गई स्वेलिंग। मैं क्यूट हूँ, थैंक यू। मेरा बेटा आके बोलता है, तुम तो छोटा बेबी हो, मैं कहा तो मेरे को गोद उठाओ। फिर मैं उसके ऊपर बैठ जाती हूँ, चिल्ला रहा था, आ हटो माँ हटो। उसको मैं बहुत तंग करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ। कुछ कर रहा होता है एकदम दिमाग लगी हुई थी, पजल्स खेलते ना ये लोग, तो मैं उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ, कहते माँ हटो हटो, मैं कहती नहीं हमको गोद लेके घुमाओ। Can I take bee pollen in keto? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं टी, कोई भी कलौंजी टी या येलो टी, ऑरेंज टी, देखो पहले मैं बोलती थी 2 लीटर बना लो, लेकिन मेरे पेशेंट पे और पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जैसे जैसे वो लेट होता है ना, उसका रिजल्ट कुछ नहीं रहता, वो दिख वैसे ही रहा होता है पर उसका रिजल्ट बहुत खराब हो जाता है। इसलिए कोशिश करो एक दिन का बनाओ, सुबह बना के शाम तक में रख सकते हो, फ्रिज में रख के पियो, बट ज्यादा मत बनाओ। मैं ना बताओ बहुत साइलेंट हो गई, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी कि कोई बात का दुख लगे तो तुम मत ध्यान दिया करो, पर मुझे वो लोग सबसे खराब लगते हैं जो मुझे कहते बाल बढ़ाओ, क्योंकि अगर आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता है कि मेरे बाल क्यों छोटे हैं तो मत बोलो, बहुत भयंकर स्टोरी है बाल के पीछे, इसलिए मत बोलो। क्रिस्टल पे भी वीडियो बनाओ, पहले वहां जाके देखो ना, 10 लोगों ने लिखा है डोंगी, इसलिए नहीं बनाती। आधे जहां लड़ाई हो वहां घुसने का मन नहीं, कीटो वाले में लड़ाई होती है घुसने का मन नहीं, मुझे जिस चीज में पंगा हो अलग ही रहो, मेरे को काम की कमी है जो जबरदस्ती झगड़ झगड़ के जाऊंगा। रिंकल है नहीं तो रिंकल का वीडियो क्यों बनाऊ, जब मेरे को रिंकल आएंगे तब बनाऊंगी। है एक दो रिंकल के वीडियोस हैं, आप सर्च कीजिए डॉक्टर शालिनी एंटी रिंकल पैक, ये सब तो आ जाएंगे। मैं क्रीम बनाने वाली हूँ रिंकल का, और एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपने पर्सनल पेशेंट के, उसमें आई हैव लॉस्ट 17 kg बाय कीटो वेल वर्किंग वेल। यस यू, हो सकता है कि आप नॉन वेज हो तब इतना ज्यादा जाएगा, मेरा भी नहीं गया अभी तक तो, मेरा 13 kg है, 13 kg आई लॉस्ट। विका मेहता, हाँ ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जो बीमार पड़ते हैं ना उनको भगवान बचा भी लेते हैं, ऐसा नहीं होता, जल्दी ठीक हो जाएंगे, घबराओ मत। आप लोग भी खुश रहा करो, हंसा करो। मैं गुड नाइट क्रीम बनाऊंगी, मैं नाइट क्रीम नहीं बनाऊंगी, गुड नाइट क्रीम बनाऊंगी। बैथम, आपका नाम ले लूं? मैं अगर गलत नाम ले रही हूँ तो बता देना मुझे, मैं मेरे बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी। कौन सी प्रियंका जी, ओवरनाइट क्रीम बना रही, मैं गुड नाइट क्रीम बनाऊंगी, ओवरनाइट क्रीम नहीं बनाऊंगी। मैं बायोटिन के बारे में बात करूं, ठीक है बिल्कुल करूंगी। मोनिका नाम आपका, ओके मोनिका जी हेलो, आप बहुत देर से कमेंट कर रही हो। अमीना हंस रही है मेरे ऊपर, सबको मुक्का मारूंगी जो हंसेगा।
मैं एक्चुअली ब्लॉग सिस्टम में ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, वो प्रॉब्लम बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ब्लॉग डाला कि मैं स्टोरी डालू मैं अभी जा रही हूँ अभी मैं खा रही हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा अभी मैं कपड़े पैक कर रही हूँ अभी मैं नहाने जा रही। अरे मैंने बहुत लोग के ब्लॉग देखे, मैंने कहा ये तो मेरे बस का नहीं है बाबा, कैमरे लेके घूमते रहो और मैं कहीं जाती हूँ तो मैं क्या बताऊंगी। तो मेरा आइडिया आया कि अगर ब्लॉग के अंदर ही ट्रीटमेंट बता दो, 5 क्वेश्चन का आंसर दे दो, थोड़ा मजाक कर लो, थोड़ा खा पी लो, तो ठीक है ना, सबको हेल्प मिल जाएगा। सिंपल गुस्सा आता है तो आपके डिप्रेशन वीडियो देख लेते हैं। अच्छा मैं देखो गुस्सा आए ना तो मुक्का मारा करो, जो आस पास मिल जाए उसको मुक्का मार दो, गुस्सा खत्म, फिर उसको गुस्सा आएगा, आपको नहीं आएगा। B12 की वीडियो बनी हुई, सी की बनी, डी की बनी, नहीं सी की नहीं बनी हुई, डी की बनी हुई, तो देखो उसको सब, जब सब वीडियो बनी तो डेफिशिएंसी में क्यों बैठे हुए हो, जाओ सबको देखो और फॉलो करो। पिक्सी और डी का न्यू वीडियो बना दो, अभी नहीं बनेगा, आप वही फॉलो करो पुराना। अमीना उफ अल्लाह डोंट पंच मी जानी, सामने आके बात करो भाई, पीछे में नहीं, मैं मुक्का मारने तेज हूँ। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, अच्छी बात है। अब देखो ब्रेस्ट साइज करने के लिए नैन्सी को चाहिए, अभी तो बोला कीटो करो, चाहो ना चाहो कम हो चाहे मेरे को तो सतमा लग गया, मैं तो बियोग में चली गई, मेरे को लगा न्यू शॉपिंग, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन वही है, मैं जब मैं थोड़ा सा वेट और कम हो जाएगा उसके बाद मैं हाइट इंक्रीज और फिर वो करूंगी, मुझे पता है ब्रेस्ट इंक्रीज वाला तो और भयंकर है, पेट में 24 घंटे दर्द होता है, मैंने खाया हुआ ना मुझे मालूम है, मतली आती रहती। अपलोड विंटर डाइट ना 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 ना, विदाउट विंटर जिधर जो इधर ज्यादा जो चीज जेंट्री के वो है वो तो बर्बाद हो जाएगा वीडियो। देखो किसने मुझे बोला, अंकिता गुप्ता ने बोला यस ही इज राइट अबाउट कीटो, आई एम ऑलवेज राइट, और अगर मुझे किसी ने गलत बोला तो मैं मुक्का मार दूंगी। थायराइड पेशेंट कीटो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जो नॉन वेजिटेरियंस को प्रिविलेज बहुत ज्यादा, जो वेज है ना उसको कीटो में ना लीवर में प्रॉब्लम आती ही आती है, ये चीज सबसे बड़ी, जबकि सिंपल पनीर और ये छोले से नहीं आनी चाहिए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, पर थोड़ा प्रॉब्लम आता है वेज में आता है। रमजान डाइट प्लान ऑलरेडी डाला हुआ है, समर डाइट प्लान डाला हुआ है, आप जाके सर्च कीजिए डॉक्टर शालिनी समर डाइट प्लान। ब्रेस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों नेशनल इश्यू है, और नहीं इसके अलावा पेनीज इंक्रीज एंड डिक्रीज भी नेशनल इश्यू है, बहुत मैसेज आते हैं पर मैं उसका डिस्कशन नहीं, वीडियो में देखोगे, दोनों ही इंक्रीज डिक्रीज नेशनल इश्यू है। फ्रेश वाटर में ले सकते तो मैंने कब का पानी चढ़ा के लो उसमें, मोनिका जी मोनिका जैन फ्रेश वाटर में ले सकते हैं सैंडलवुड, कोई तो वीडियो नहीं देखते आप, हेयर थिकनिंग के लिए कुछ बताइए। विद्या बहुत देर बाद आई, अभी पता है लाइव शेड मैंने स्टार्ट विद्या के लिए किया था 4235 के लिए, इतने लेट से आते हैं गंदी बात है। रवनीत मैं नहीं, मैं 15 साल से नीचे के बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करती। फैट कटर ड्रिंक फॉर समर PCOD बिल्कुल, मैं सबसे पहले हॉस्टल वाले लोगों के लिए काम करूंगी, उससे पहले मैं किसी कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? क्या भाई पूछो। स्टीविया से टीथ में पेन पॉसिबल है? नो 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 नहीं पॉसिबल। ये वाला रंग अच्छा लगा, ठीक है थैंक यू थैंक यू। सैंडल पता है मैं क्या बोलूं सैंडलवुड ऑयल के बारे में, किस साइट से परचेस करो, आई एम फिगरिंग आउट कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए कि सबको मिले, बट आई एम ट्राइंग टू, देखो कब ये सॉल्व होता है।
जब सॉल्व होगा बिल्कुल बताऊंगी, मैं ऑनलाइन ही आप लोगों को बता दूंगी कि आप लोगों को नहीं मिल रहा है ना, मैं ढूंढूंगी। बट ईटेबल ना मेंशन हो तो मत खाना कहीं भी किसी भी देश में। मेरे ख्याल से यूएस में मेरी पेशेंट को तो मिल गया, कोई बेच रहा है यूएस में ईटेबल, यूएस में मिल रहा है, आप ढूंढो यूएस में मिल रहा है। अमेजोन पे नहीं है लेकिन कोई और साइट है, आप यूज करके ढूंढो ना, शायद मिल जाएगा। लेकिन उसके डब्बे पे मैंने देखा ईटेबल, मैं देख के बताऊंगी, मैं देख के बताऊंगी कि कौन सी कंपनी का खा रही है। मुझे याद नहीं, उन्होंने दिखाया था मुझे लेकिन याद नहीं। मेरी हाइट सुबह 2 सेंटीमीटर रहती है और रात को वापस सेम हो जाती है। आपकी बोन फ्लेक्सिबल होगी इसलिए ऐसा होता है। काजल बनाइए, खाना बनाने से फुर्सत नहीं है, उधर ही काजल भी बना दूंगी। एक्चुअली मेरा कोई टीम नहीं है तो मैं सोच रही हूँ टीम रखूं जो एडिट करे। मैम आंसर दे दो, मैम प्लीज आंसर दो, मैम आंसर दे दो, मेरा आंसर दो, मैम आंसर क्यों नहीं देते, आंसर दे दो, आंसर दो, आंसर दे दो। भगवान करे जो जो मेरे से प्लीज रिप्लाई की उम्मीद करके मुझे गालियां देते हैं ना, उनके लाइफ में 20 लोग आके रोज 3 बार से क्वेश्चन पूछते रहे और कुछ नहीं हो, बस इतने सारे लोग उसके लाइफ में पूछते रहे, ये क्या कर रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो, खाने में क्या बनाया, ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमको कौन सा रंग पसंद है, नहीं ना पूछते रहे उससे क्वेश्चन। तब शी विल रियलाइज रियली कि कितना मुश्किल है 24 घंटे आंसर देना। ऑर्गेनिक बेटा जो आप लिख रहे हो ना, ऑर्गेनिक है सैंडलवुड, जब तक वो ईटेबल, देखो मैं बताती हूँ, वो जो प्रोसेस है ना, फर्स्ट जो निकलता है जो वर्जिन होता है और उसको जो प्यूरिफाई करते हैं 3 वाटर पैसेज में ले जाते हैं, वो ईटेबल होता है। लेकिन अगर लकड़ी से निकालने के लिए एक भी एसेंशियल सिक्रेशन कुछ डाल दिया तो वो ईटेबल नहीं रह जाएगा। वो आप अप्लाई कर सकते हो, सूंघ सकते हो, गलती से मुंह में चला गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसको 1-1.5 महीना जैसे रूल मैंने बताया आपने खा लिया तो किडनी लीवर का बुरा हाल हो जाएगा। देखो प्लीज रिप्लाई फिर आ गया है, महक जी अभी बोल रही थी, भगवान करे महक जी आपसे प्लीज रिप्लाई, पूरी दुनिया में 100 लोग दिन भर पूछे, महक तुमने क्या खाया, महक तुमने क्या पहना, महक अभी क्या सोच रही है, महक तुम्हारा सुबह क्या हुआ, महक शाम क्या हुआ, महक ये महक वो, समझ आ जाएगा प्लीज रिप्लाई का अर्थ क्या होता है। अब मैं जा रही हूँ, सब लोग क्वेश्चन लेके आ गए, वो क्वेश्चन लेके आ गए जो ऑलरेडी वीडियो में नहीं बताऊंगी। रीना सेलिब्रिटी मैम ही मतलब HI हाय, अच्छा ओ माय गॉड स्टमक तो और क्या बद्दुआ दूंगी मैं, और ये सबसे मस्त बद्दुआ है, लगे तो आपको आपको मजा ही आ जाएगा। एक और देखो ये बद्दुआ लग जाए तो सुबह उठो हस्बैंड पूछे क्या सोच रही हो, बोलो कुछ नहीं ऐसी उठ के नहीं बता ही दो क्या सोच रही हो, कहाँ जा रही हो, और पोटी लगी हुई जोर से जाने दो, प्लीज जाने दो, नहीं प्लीज रिप्लाई भी आ रही हो। आई एम नॉट चाइल्ड स्पेशलिस्ट निक्की, बॉडी स्लिम होने का पता है, मुझे नहीं आता, मुझे स्लिमिंग के बारे में कुछ नहीं पता। प्रीत हेलो मैम कैसे हो, दिल्ली कब आओगे, दिल्ली आऊंगी तो बता के नहीं आऊंगी, पिछली बार जो हाल किया डोरबेल बजा बजा के मेरे घर में, अरे बाप रे बता के नहीं आऊंगी। शेरजी मैम तुसी लग जाओ हरप्रीत सब आज मस्ती के मूड में हो तुम लोग। ब्रेसलेट ब्रोकन अगर तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि कुसुम ब्रेसलेट टूट गया ना, इससे कुछ नहीं होता। अगर आपका कोई स्टोन टूट जाती है ना, इट मीन्स है कि आपके ऊपर आने वाली चीजें उसने अपने ऊपर ले ली, तो बस कोई बात नहीं, नया ले लो या फिर उसको फिर से फिर लो। नहीं हाँ ये सही है कि आप बोल रहे हो दिल्ली आना तो मुझे बताना स्पेशली, हाँ बहुत चलाक, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैम आर्टिफिशियल भूख लगती है, आर्टिफिशियल भूख लगती है, आर्टिफिशियल भूख कैसे लगती है, जबरदस्ती खाना खाते हो ये बोलना चाहते थायराइड में, नहीं टाइमली तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए।
जब भागने हो वरना जब भागने का मन करे तो मेरे पास। हाँ मैं बेवकूफ दिखती हूँ मैं तो, देखो मेरे बाल ऑलरेडी छोटे, बस ये नोज पिन निकालना, ये निकालना, ये लंबी मूछे चिपकाऊंगी शर्ट पहन के गॉगल्स लगा के निकल जाऊंगी मूछे ऐसे करते हुए, और रास्ते में किसी को शक होगा तो दो चार लड़की को लाइन के मारने लगूंगी सोचेगा बड़ा लोफर है, फिर मेरी तरफ कोई देखेगा ही नहीं, मैं आराम से भाग जाऊंगी रीना मेरी आंखें ठीक है स्टोन के बारे में कुछ दिन बाद लाइव फ्रॉम कश्मीर, बताओ कश्मीर में किधर, मेरे को लद्दाख भागना है, मेरे को रास्ता बताओ मैं पहाड़ों में भागी हूँ बर्फ के बीच। हाँ पंजाबी गबरू लगे नहीं पर देखो मर्द की हाइट ज्यादा होती है ना, मैं तो छोटी हूँ उनके इन कंपैरिजन, लोग के देखना छोटे हाइट वाला कोई आदमी हो मुच्छड़ तो उससे कोई इंप्रेस थोड़ी ना होता है तो कोई इंप्रेस थोड़ी हो रहा हो गया, ये मुच्छड़ छोटा सा है इसके इंप्रेस होना, सप्रेस अपेटाइट, सुबह सुबह मीठा खा लो दिन भर कोई खास भूख नहीं लगेगी। गलिष्ठ भोजन ब्रेकफास्ट में हमेशा आपके शुगर को सप्रेस, शुगर क्रेविंग को सप्रेस कर देती है, और जब ऐसा कर देती है तो दिन भर जंक ईटिंग नहीं होती है। गगन कैसा हैंडसम है, हेयर स्टाइल से पहचान लेंगे आप, अरे जाओ पूरे दुनिया में जितने लोफर पड़े ना सबका हेयर स्टाइल मेरे जैसा ही है, उसने वोडाफोन बना दी मुझे कार्ड फीड के, और बहुत तारीफ की उसने, देखो मैडम मैं ऐसा है ना मैं कोई खाना नहीं करता, मैंने कब इसको क्या बोलू, मन तो कर रहा था मुक्का मार दू हंसा करो। हाँ भाविका हंसोगे ना तो आधी बीमारियां तो ऐसी ही चली जाती, वरना आप सोच के देखो जब से मैं जागती हूँ आंख मलते मलते मैं अपने पेशेंट का फोन उठाती हूँ और 50 बीमारियां लिखी होती, फिर गुड मॉर्निंग लिखो नहीं, लोग डॉक्टर शालिनी आ गई पकड़ो ऐसा गुड मॉर्निंग मैसेज पे बहुत चार होती लोगों की क्वेश्चन की, तो मुझे कैसा लगता होगा, डिप्रेशन नो डाउट होता है फिर भी कुछ ना पॉइंट निकाल के हंस लेते हैं। मेल सेक्स पावर पे वीडियो नहीं बना सकती हूँ, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे बनाई तो यूट्यूब ने मुझसे कहा करप्ट वीडियो करके 1.5 महीने के लिए मेरे को वीडियो अपलोड करने के लिए ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से मुझे दूसरा चैनल पे वीडियो अपलोड करनी पड़ी, तो जैसे ही सेक्सुअल वर्जाइना ऐसा कोई नाम जब मैं बोलती हूँ तो मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है कि मैं करप्ट वीडियो बनाती हूँ, अब मैं क्या करूँ कैसे समझाओ यूट्यूब को कि मैं करप्ट वीडियो नहीं बनाती, पर वो सॉफ्टवेयर से चलता है ना, उसपे जो फीड किया रहता है उस हिसाब से चलता है, तो कोई आदमी तो है नहीं जिसको समझाने जाऊंगी, इसलिए नहीं तो मेरे को मेल प्रॉब्लम पे 3 वीडियो बनाई एडिट करके डाल नहीं सकते, बंद हो जाएगा फिर वो मेरा खराब हो जाएगा चैनल। आई एम लुकिंग सो क्यूट विदाउट चश्मे, आप बहुत अच्छे लगते हो थंकू। मैं बीच में आ जाऊंगी ना, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों जाऊं, मैं कश्मीर से आगे बढ़ के बीच पहाड़ रह जाऊंगी उधर ही वालों से बात कर, इधर भी उधर भी दोनों साइड बात कर रही होंगी बर्फ में। आपको नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, फिर रात को आप ऐसा करना सादाफ, नींद ना आए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, हम और आप बातें करेंगे, रोज एक लाइव चैट ऐसे ही हो तो बीमारी होगी सब हंस हंस के ठीक हो जाएंगे। हाँ मेरे पर्सनल पेशेंट ना जब रो रहे होते 2 दिन पहले, एक कहती मैं सुसाइड कर लू, मैं कहा ओई ये क्या हो गया, इसको मरना क्यों है, फिर हम मैं उससे बात करने लगी, वो खूब रोई, बहुत परेशान थी, उसने शेयर किया, जब तक फोन रखा 1.5 घंटे में हंस रही थी, तो कहती मेरे हस्बैंड उधर दूर से देख रहे हैं अभी तो मरने गई थी किससे बात कर रही, मैंने उसको कहा आप ये मत बताना डॉक्टर शाली से बात, खूब शर्माओ, इतना शर्माओ ना कि अगला सोचे मुझे छोड़ दिया क्या किससे इतना शर्मा शर्मा के बात कर रही, तो अभी तुरंत मनाने आ जाएगी देखो फिर प्लीज रिप्लाई, अभी देखो बदुआ देती हूँ, रुक रुक जाओ, पहले मैं बदुआ दूंगी फिर बात करूंगी,
तरन्नुम, आपके घर में सब आपको क्वेश्चन पूछे, हर कोई बोले प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, क्या खाया, कैसे खाया, कितना बच्चा, सब बोले आपको प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। रुको और बता दें दो, सोचने में एक मिनट। हाँ, आपसे लोग बोले क्या खाना बना रही हो, क्या कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, 10 लोग आपसे पूछे। अब मेरा बदवा कंप्लीट हुआ, डंपिंग एंजॉय विद्या। रवनीत क्या बताऊं भाई, इंच माशाल्लाह कीप लाफिंग। आपका येस्ट पैक का रिजल्ट बेस्ट है, थंकू थंकू थंकू। एक दिन आ जाऊंगी, कम से कम लाइफ में कुछ तो मजा आएगा, जब आप साथ में होंगे लाइफ में सॉलिड इंजॉय होगी। हाँ मैं यारों का यार हूँ, मेरे फ्रेंड ना मुझे बोलते लो भाई, आई एम लुकिंग सो क्यूट विदाउट चश्मे, आप बहुत अच्छे लगते हो, थंकू। मैं बीच में आ जाऊंगी ना, मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्यों जाऊं, मैं कश्मीर से आगे बढ़ के बीच पहाड़ में रह जाऊंगी। उधर ही बादलों से बात कर, इधर भी उधर भी, दोनों साइड बात कर रही होंगी बर्फ में। आपको नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। फिर रात को आप ऐसा करना सादाफ, नींद ना आए तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाना, हम और आप बातें करेंगे। रोज एक लाइव चैट ऐसे ही हो तो बीमारी होगी, सब हंस हंस के ठीक हो जाएंगे। हाँ मेरे पर्सनल पेशेंट ना जब रो रहे होते, दो दिन पहले एक कहती मैं सुसाइड कर लूं, मैंने कहा ओई ये क्या हो गया, इसको मरना क्यों है। फिर हम मैं उससे बात करने लगी, वो खूब रोई, बहुत परेशान थी, उसने शेयर किया, जब तक फोन रखा 1.5 घंटे में हंस रही थी, तो कहती मेरे हस्बैंड उधर दूर से देख रहे हैं क्या, अभी तो मरने गई थी। किससे बात कर रही, मैंने उसको कहा आप ये मत बताना डॉक्टर शाली से बात, खूब शर्माओ, इतना शर्माओ कि अगला सोचे मुझे छोड़ दिया क्या। किससे इतना शर्मा शर्मा के बात कर रही, तो अभी तुरंत मनाने आ जाएगी। देखो भाई प्लीज रिप्लाई, अभी देखो बदुआ देती हूँ, रुको रुक जाओ, पहले मैं बदुआ दूंगी फिर बात करूंगी। तरन्नुम, आपके घर में सब आपको क्वेश्चन पूछे, हर कोई बोले प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई, क्या खाया, कैसे खाया, कितना बच्चा, सब बोले आपको प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। रुको और बता दें दो, सोचने में एक मिनट। हाँ, आपसे लोग बोले क्या खाना बना रही हो, क्या कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, 10 लोग आपसे पूछे। अब मेरा बदवा कंप्लीट हुआ, डंपिंग एंजॉय विद्या। रवनीत क्या बताऊं भाई, इंच माशाल्लाह कीप लाफिंग। आपका येस्ट पैक का रिजल्ट बेस्ट है, थंकू थंकू थंकू। एक दिन आ जाऊंगी, कम से कम लाइफ में कुछ तो मजा आएगा, जब आप साथ में होंगे लाइफ में सॉलिड इंजॉय होगी। हाँ मैं यारों का यार हूँ, मेरे फ्रेंड ना मुझे बोलते लो भाई, क्योंकि लड़कियों वाली ग्रेस नहीं है ना मेरे अंदर, वो शर्माने वाली, तो अगर मैं बहुत मस्ती के मूड में रहती हूँ तो बिल्कुल लोफरों जैसी बिहेवियर हो जाती है, नहीं तो मैं बहुत चुप रहती हूँ, बहुत कम बात करती हूँ, एकदम साइड एकदम बात ही नहीं करती हूँ, लेकिन अगर करती हूँ तो फिर लोफर की तरह। और ऑनलाइन तो हम भाई थोड़े डिग्निटी में बात करते हैं, यू नो ऑनलाइन आप वीडियो बनाओ या कुछ करो तो उसका एक सीमा होता है कि आप अंटसंट नहीं बोल सकते, बट फ्रेंड के बीच में बैठ के तो वही फिर बात ही होती है। टी बहुत पीती हो तो कोई बात नहीं, मैं भी बहुत टी पीती हूँ, बस ये याद रखना ज्यादा दूध और शुगर ना जाए, स्टीविया लो, बैच फ्लावर थेरेपी के साथ सैंडलवुड ऑयल का ले सकते। नहीं 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 नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछा, और भी हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, निखिल नाम है ना, निखिला नाम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, नहीं दोनों एकदम अलग चीज है, सैंडलवुड ऑयल एक इत्र का हिस्सा होता है, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, इत्र का हिस्सा होता है, इतना सॉलिड होता है ना, बैच फ्लावर रेमेडी के जितने भी एक्सट्रैक्ट होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं, काट देगा, दोनों के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का अंतर रखें।
शुगर फ्री नहीं, स्टीविया बोल रही हूँ, स्टीविया लो। शुगर फ्री तो आपको ब्लो ऐसा वाटर रिटेंशन करेगा जिंदगी में ठीक नहीं होगी। 3 महीने से हाइट इंक्रीज चूलन ले रही हूँ, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो 3 महीने और ले लो फिर भी फायदा ना हो तो 3 महीने और ले लो, फिर भी फायदा ना हो तो 3 महीने और, बीच में 5 दिन छोड़ देना। और 1 साल में अगर फायदा ना हो तो खत्म, छोड़ देना। 6 महीने 5 महीने बाद अचानक से लोग आपको टोकने लगेंगे, वो आपकी जो बॉडी में जाएगा कभी ना कभी रिजल्ट देगा जरूर। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, कभी कभी लड़ना जरूरी है ना, गलत बात बोल देते हैं तो। अभी देखो कल जब मैंने अपडेट डाली ना कम्युनिटी में, 2-4 बहुत बैड एलिमेंट्स आ गए, मुझे समझ नहीं आया क्या है, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ करके, जवाब भी नहीं दिया किसी का, और मैं वो छोड़ करके मैंने अपने फ्रेंड से बोला, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने बोला ये अट्रैक्ट करो, किसका है, क्यों इस तरह की बातें लिख रहे हैं, मैं इसको जवाब नहीं दूंगी। आप विश्वास करोगे वो इंडिया में बहुत फेमस ब्लॉगर है, उसने अपने ब्लॉग से ये गालियां दी मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, फिर मैं ये डिलीट कर दे रही हूँ, मेरे को उससे बात नहीं करनी, उसको ईमेल भेज दो बस, ये प्रिंट स्क्रीन निकाल के कि आप ये क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। मैं तो ब्लॉगिंग अभी 3 ही, लड़ना जरूरी है ना, गलत बात बोल देते हैं तो। अरे जो हंसे मजाक करे वो छिछोरा है, ऐसा थोड़ी है, काट देगा। दोनों के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का अंतर रखें। शुगर फ्री नहीं, स्टीविया बोल रही हूँ, स्टीविया लो। शुगर फ्री तो आपको ब्लो ऐसा वाटर रिटेंशन करेगा जिंदगी में ठीक नहीं होगी। 3 महीने से हाइट इंक्रीज चूलन ले रही हूँ, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो 3 महीने और ले लो फिर भी फायदा ना हो तो 3 महीने और ले लो, फिर भी फायदा ना हो तो 3 महीने और, बीच में 5 दिन छोड़ देना। और 1 साल में अगर फायदा ना हो तो खत्म, छोड़ देना। 6 महीने 5 महीने बाद अचानक से लोग आपको टोकने लगेंगे, वो आपकी जो बॉडी में जाएगा कभी ना कभी रिजल्ट देगा जरूर। मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ, कभी कभी लड़ना जरूरी है ना, गलत बात बोल देते हैं तो। अभी देखो कल जब मैंने अपडेट डाली ना कम्युनिटी में, 2-4 बहुत बैड एलिमेंट्स आ गए, मुझे समझ नहीं आया क्या है, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ करके, जवाब भी नहीं दिया किसी का, और मैं वो छोड़ करके मैंने अपने फ्रेंड से बोला, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने बोला ये अट्रैक्ट करो, किसका है, क्यों इस तरह की बातें लिख रहे हैं, मैं इसको जवाब नहीं दूंगी। आप विश्वास करोगे वो इंडिया में बहुत फेमस ब्लॉगर है, उसने अपने ब्लॉग से ये गालियां दी मुझे। मैंने कहा छोड़ दो, फिर मैं ये डिलीट कर दे रही हूँ, मेरे को उससे बात नहीं करनी, उसको ईमेल भेज दो बस, ये प्रिंट स्क्रीन निकाल के कि आप ये क्यों कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। मैं तो ब्लॉगिंग अभी 3 ही ब्लॉग ही डाले हैं, उस पर गालियां बक दी उसने कि भूत लग रही, पता नहीं क्या क्या लिखा था, गंदी गंदी बातें, मतलब आदमी होकर ऐसी बातें करना समझ नहीं आया। मुस्कान, 2-3 महीने से वेट लॉस टी ले रही हूँ बट वेट लॉस नहीं हो रहा, तो डाइटिशियन होगी ना, उनके पास जाइए, वो उनका शायद काम करे। समटाइम क्या होता है ना, किसी डॉक्टर का कोई सूट करता है किसी डॉक्टर का, अगर मेरे से सूट नहीं कर रहा तो आप लोकल डॉक्टर से दिखा लो, मे भी उनका सूट कर जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबको एक ही आदमी का राय सूट करे। बेटा 15 साल का सैंडल वुड ऑयल ले सकता है, हाँ जी ले सकता है। ध्यान मत दिया करो बिल्कुल, नहीं नहीं समटाइम क्या होता है ना, मैं उसको जवाब नहीं दे सकती ना, अगर कोई बंदी बोले आप हमको रिप्लाई नहीं देते, ऐसे नहीं करते, तो उससे लड़ भी जाओ, कोई माँ बहन की गालियां दे रहा है उसके मुंह क्यों खराब करना उसे। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया, सुबह से गाली दे रहा है मुझे, तो मैंने उसकी आईडी चेक करवाई है कौन, मैं तो उसको बोलने भी नहीं गई, मैंने एक चीज नहीं बोला, वो ऐसे गंदे लोग से क्या बहस करना था। मैंने टी में स्टीविया की जगह गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, नहीं बात तो बराबर ही है ना, कैलोरी तो हाई ही होती है, फायदा क्या है गुड़ या शक्कर डालोगे तो, वही रहेगा, कोकोनट ऑयल काम नहीं करता ब्रेस्ट इंक्रीज में। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ब्रेस्ट इंक्रीज में मसाज काम करता है, अगर काम करता होता तो आपकी शादी हो जाती ना, तो वैसे ही ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाते, ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मूला मसाज काम नहीं करता। मैम मुझे तो सब कहते हैं तुम बहुत छिछोरी हो, अरे जो हंसे मजाक करे वो छिछोरा है, ऐसा थोड़ी है।
कीटो में फ्रूट नहीं खाया जाता, नो फ्रूट नो वेजिटेबल, ओनली क्रिसिफर वेजिटेबल जो घास पत्ती होती है, मतलब सैलड लीफ, कैबेज, नापा कैबेज, तरह तरह की पत्तियां, केल, ये सब खाई जाती है। और मेरे हिसाब से मैंने पर्सनली देखा है लौकी और कुकुम्बर और करेला और भिंडी भी खा सकते हो, जो इंडिया में है वो मैं अपने पेशेंट को तो देती हूँ। हाँ कीटो वॉक्सिंग ब्रेस्ट रिडक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पर्सनल एग्जाम्पल हूँ। मेरा बेटा 12 साल का है, उसको हाइट इंक्रीज चूर्ण दे सकते हैं ना, ये एक दो साल रुक जाओ। कैरेट थायराइड में तब, कैबेज थायराइड में तभी ले सकते हो जब आप आयोडीन अलग से ले रहे हो, तो कैल्प का अगर सप्लीमेंट ले लोगे तो कैबेज ले सकते हो। जितने भी क्रिसिफर वेजिटेबल है वो इसलिए नहीं मना किए जाते हैं थायराइड में क्योंकि वो आपको नुकसान करते हैं, ये जितने क्रिसिफर वेजिटेबल है थायराइड में इसलिए मना किए जाते हैं क्योंकि वो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, और आयोडीन थायराइड में जरूरी होता है, जो आप थायराइड की टैबलेट खाते हो ना वो आयोडीन की टैबलेट होती है। अरे बाबा प्रीत, मैं हरप्रीत, मैं किसी का ब्रेस्ट गायब नहीं करते, कह रहे हो भगवान सबकी ब्रेस्ट गायब कर दो, कैसे पागल हो, ऐसा मत बोलो, मान गए ना अगर तो मैं सबसे ज्यादा रोऊंगी, ऐसी ऐसी बदबदी जाती है। बताओ मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो इसलिए बनाए कि सबके कहो, कुछ लोग के गायब करो तो बढ़िया है। बाली रोटी खाने से वेट लॉस होता है जी, सर्दियों में, गर्मी में खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अरे बाबा मैं कितने देर से हूँ, 43 मिनट। आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स कैल्प होता है, बोला तो अभी, कैल्प, कैल्प सी वीट होती है, समुद्र के नीचे पाई जाती है। आई एम नॉट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कुछ भी पूछोगे, 11 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, नहीं बताऊंगी। स्किन केयर जर्नी, ओह माय गॉड, हाँ हाँ बिल्कुल, किसने पूछा कौन है ये महान देवी विद्यालय स्किन केयर जी, देवी जरूर बताऊंगी। काओलिन क्ले मिली है क्या, ये रिजल्ट देती है, जब मिली है तो रिजल्ट देती हूँ। कितने रुपए की है, 45 में एक ही जाबा, नहीं 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 नहीं, वो काओलिन तो दीवार में पुट्टी जो लगाते ना वो है, मत करना। काओलिन रिफाइन होती, वही काओलिन है, लेकिन वो रिफाइन और जो टैबलेट खाते हैं ना वो काओलिन के लिए होती है ना, जो टैबलेट जितनी दवाइयां खाते हैं, बट टंकी लो। हंस हंस के सब पागल, यू आर टू क्यूट, ओ माई गॉड, मेरे सपनों का राजकुमार मेरा लाइव चैट क्यों नहीं देखता। अच्छा सपनों का तो नहीं है राजकुमार, कोई राजकुमार मेरा लाइफ चैट क्यों नहीं देखता। मैं इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे जो पंडित जी है ना, मेरी मम्मी ने ना बोला इसकी शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी नहीं हो रही है, इसको इसको लड़का नहीं मिल रहा, तो उन्होंने एकदम मेरी मम्मी को डांटते हुए बोला गुस्से में, अरे आएगा आएगा लड़का, घबराती क्यों, आएगा खुद आएगा, ढूंढने से क्या होता है, आएगा, आके इसका डोरबेल बजाएगा। अच्छा मैं उस टाइम पता नहीं क्या सोच रही थी, मैंने कहा डोरबेल तो डेली मेरे यहाँ कोरियर वाला बजाता है। इतने गुस्सा हो गए गुरु जी, लड़की को बिल्कुल तमीज नहीं। मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैंने कहा पंडित जी को गुस्सा आ गया। और मैंने बहुत सीरियसली बोला, अरे मेरे घर में तो डोरबेल सिर्फ कोरियर वाला हो जाता है, तो कोरियर वाले से चोरी कर। व्हाइट हेयर का दीप मैंने बताया हुआ है। शुगर कम करने के लिए कौन सी डाइट ले, शुगर कम करने के लिए, शुगर बीमारी, डायबिटीज, डायबिटीज कम करने के लिए शुगर छोड़ दो, टाइमली खाना खाओ। शालिनी की लाफ्टर क्लासेस डेली रात में आ जाती हूँ यहाँ पर बैठ के, मैं चुटकुले सुनाऊंगी, आप हंसना, कहा गए इंस्टाग्राम फॉलो करो डॉक्टर शालिनी को, सब लोग मिलके हंसेंगे। और कोई मिल ही नहीं रहा इतनी देर से, पहले सब प्लीज रिप्लाई करते, बद्दुआ के डर से देखना सब भागे, कि अगर उनको सब लोग बोलने लगे प्लीज रिप्लाई तो क्या होगा।
7 साल का बेटा देख रहा है, बोल रहा है आपसे, आपके जैसा वीडियो बनाएगा ब्यूटी के ऊपर, वो भी किड्स पर। ओ माय गॉड, बेस्ट ऑफ लक बाबू, बिल्कुल बनाओ। सैंडलवुड से मेरी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो गई है। रियली अच्छी बात है। मुझे आंसर दे दो, खाने बनाना है। किसको आंसर दे दो खाना बनाना है? रवनीत आप खाना बनाएंगे रवनीत, तो मुझे थोड़ी दे दो खाने के लिए, मैं क्यों बताऊं? पहले आप खाना बनाओ, मेरे लिए लेकर आओ, मैं खाऊंगी, मुझे चलेगा। जो बता तो दिया कि चाय पियो, मैं तो पीती हूँ। क्या बोले उसमें, वो डालो स्टीविया डाल के पियो, और क्या पूछ रहे हो? एंजॉय किया मेरे साथ, ठीक किया, बढ़िया किया। हाइपोथायरॉइड की डाइट प्लान बता दो। जो डाइट प्लान है सब हाइपोथायराइड में काम आएगा, थायराइड के लिए अलग से वीडियो है। एक वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ, थायराइड को गोली मारो व्लॉग है एक्चुअली, उसमें थायराइड के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन उसमें बीच में थायराइड के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सबको, जिसको थायराइड नहीं होगा उसको तो मन नहीं लगेगा ना दिखने में, तो उनके लिए कुछ अलग डालना पड़ेगा। एक दो वेट लॉस रेसिपी तो डालनी पड़ेगी, या फिर कुछ स्किन का, या क्वेश्चन आंसर। हाँ भाई मैं फीस नहीं लूँ क्या? सही, मैं ये बताओ सादाफ, आप हंस रहे हो। मुझे भी तो कुछ लड्डू मिठाई मिलना चाहिए। हर कोई आंसर नहीं, आंसर नहीं, पहले खाना बनाओ खिलाओ तब जवाब दोगे। अभी 2 दिन पहले बताओ, एक बंदी रसगुल्ला चाशनी में डाल के मेरे को यूट्यूब पे मैसेज भेज रही, मैम ये उबल रहा है, अब इसके ऊपर चूना डालूंगी रीठा। और मैंने 3 घंटे बाद पढ़ा, उसके नीचे लिखा हुआ था मेरा सारा चाशनी सूख गया, आपने आंसर नहीं दिया। बारे में वाई सो रूड, जब मैं इतना खुश हूँ, आप रवनीत लोकल डॉक्टर से दिखाओ, नहीं पता। आप खाना बनाओ फिर शाम को डॉक्टर के पास चले जाना। सारे अंतरे मिल्क पी सकते हैं वेट लॉस में, इट डिपेंड्स कि आपको एलर्जी तो नहीं। अगर केसी ने एलर्जी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर नहीं है तो पी लो, उससे कुछ नहीं होता। फुल फैट स्किन में ये सबसे कुछ नहीं होता, बस मलाई अगर चढ़ जाती है ना तो मलाई में कार्ब होता है, वो हटा देना। ट्राइग्लिसराइड में वीडियो बनाने वाली हूँ। कैमना चनाम भालो आजी, मेरी मम्मी बंगाली है, उसको बहुत अच्छी बंगाली आती है। बंगाली आती क्या, वो बोलती ही बंगाली, वो गुस्सा हो जाती है तो काय का करने लगती। कपिल के शो में भी वो बात नहीं जो आप, अच्छा जी मक्कल लगाए जाओ। वेट लॉस मिल्क हाँ बताने वाली, मैं तो वेट कर रही हूँ कि मेरा वीडियो अपने, तो मैं वो डालूंगी, 40,000 व्यू मेरे, बगल वाले ने बाजू वाले ने 2 मिनट के बनाने वो वीडियो, 15 करोड़ व्यू उसके। 6 किलो एक्स्ट्रा वाटर किसको चढ़ गया भाई, क्या है CH? मैम मेरे बॉडी में 6 किलो एक्स्ट्रा वाटर है, प्लीज बताओ क्या करें। वेट लॉस टी जितनी भी है वो पियोगे तो उतर जाएगा, पानी ही पानी उतार सकता है। मैम आप बहुत बहुत थैंक्स यू, अगर आप थायराइड वाली वीडियो जल्दी डाल दे। अरे थायराइड की वीडियो ऑलरेडी है, उसको फॉलो करो ना, उसी को मैं एडिट करके और कुछ नए एक्सपीरियंस डाल के नया डालूंगी, बस ये होगा। वह है उसको करो ना, अभी उसको करो, उसके नोट्स तो बनाओ। आई एम क्यूट, थैंक यू दीप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे खाने में दुनिया भर का जंक पसंद है। सॉरी यूट्यूब पे मत बोलो, मेरा नाम खराब हो जाएगा। मुझे पसंद है मैगी, मुझे पसंद है चाउमिन, मुझे पसंद है समोसे, और मुझे पसंद है चिली पनीर, चिली चिकन, ये सब पसंद है मुझे। और मीठा उतना ज्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी दिन गुस्सा आ जाए तो लड्डू मिठाई केक पेस्ट्री सब खाने का मन करता है। पर अभी तो खैर मेरा मीठा 3 महीने से बंद हो गया। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो गोलगप्पे, बट उसको सेट करके खाओगे तब। जर्क के लिए मैं खाती हूँ, ये सारी चीजें खाती हूँ, लेकिन वही 15-20 दिन में एक बार। हाँ सब ले आना विद्या, मैं सब खा लूंगी।
समर ड्रिंक भी शेयर करो, समर ड्रिंक। ठीक है ठीक है। फिर घंटी बजी, कोई आया, कोरियर वाला
दिल्ली आके भी नहीं बताऊंगी किसी को, चुपके चुपके आओगी और चुपके चुपके भाग जाऊंगी। डिटॉक्स की कोई नई वीडियो बना दो। ठीक है, कांच के बीज को हनी के साथ ले सकते हैं, ऐसे ही फाक के पानी पी लो ना, हनी किस लिए जरूरत। बाय बाय सदाफ। देखो मुक्का मारने का बोलो तो एकदम थैंक यू बोलते, थैंक यू फॉर रिप्लाई। आर यू कमिंग टू यूएसए? हाँ बिल्कुल, आप मेरे को पहले एक स्पॉन्सर करो मेरे को टू एंड फ्रो का टिकट दो, मैं बिल्कुल आती हूँ। प्लीज टेल मी हाउ टू पे टू स्टार्ट माई डाइट ओ पॉजिटिव टाइप। मैं वही तो बता रही हूँ, मेरे क्षमता में ही अभी। हाउ टू पे भी मत पूछो मैं अकेला काम करती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ अपने पेशेंट।